हेलो ऑल, वेलकम टू टिटीगेट। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.4 से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे और 1 में से कुछ ही नंबर को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पर हमको इतने नंबर दिए गए हैं, हम एक एक करके डिवीजन मेथड के हिसाब से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा 2304 को फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिवीजन मेथड के हिसाब से 2304। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हम कर चुके हैं और अभी प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से हम स्क्वायर रूट भी निकाल चुके हैं। फाइनल हमारा लास्ट वन डिवीजन मेथड के हिसाब से हमको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे कैसे, देखो पहले उसका रूल है। देखो 2304, ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर हमको यहाँ पर गिवेन है, हमको राइट साइड से दो दो नंबर को पेयर करके लेना है। ठीक है, अगर 3 डिजिट दिया होता तो आपको राइट से 2 और लेफ्ट वाला 1 ऐसे करके लेना है, पर यहाँ हमको 4 डिजिट वाला नंबर गिवेन है तो 2-2 करके हम पेयरिंग करके ले लिए। उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, ये जो 23 है तो कौन से एक नंबर हम चूज करेंगे, उसका स्क्वायर उसी से कम होगा या सेम नंबर होगा। सेम नंबर मतलब हम कौन सा एक नंबर यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर 2, अगर 2 लिए 2-2 जा सेम नंबर, मतलब 23 होना चाहिए। ठीक है, तो और 23 के ऊपर तो नहीं होगा ना 25, क्योंकि 25 हम 23 से माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, 23 से यहाँ पर 23 है तो 23 से कम नंबर होगा और वो नंबर मतलब वो जो नंबर हम लेंगे उसी का स्क्वायर का वो नंबर आएगा। ठीक है, वो कैसे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो मैं अगर 4 लूंगी, 4 जा 16, करेक्ट, तो आपको आपके दिमाग में आया होगा कि 5 हम क्यों नहीं ले सकते। देखो जो भी नंबर हम यहाँ पर लेंगे सेम नंबर हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, ऊपर, तो 4 जा 4 × 4 16, 5 × 5 कितना आया 25। 25 अगर हम यहाँ लेंगे, माइनस कर सकेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे क्या, नहीं कर सकते, इसीलिए तो ऐसा नंबर हम लेंगे जिसका स्क्वायर उसी से कम होगा या 23 भी हो सकता है, करेक्ट। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो ये जो नंबर हमको मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 13 माइनस 6 7 आ गया, माइनस किए हम और ये जो 2 डिजिट नंबर है डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। ओके, 704 तक आपको समझ में आ गया होगा। उसका नेक्स्ट स्टेप प्लस 4, क्यों, क्योंकि ये जो 4 हमने लिए है ना सेम टू सेम 4 यहाँ पर ही मतलब ऐड आपको करना है। ऐड करने के बाद 8 आ गया। ओके, 8 के बाद आप यहाँ कौन सा नंबर इस प्लेस में लोगे, जिसी नंबर सेम नंबर यहाँ पर दोगे। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है कि 4, तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेंगे कि यहाँ पर एक 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि सेम नंबर ये जो नंबर लेंगे सेम नंबर यहाँ पर लेंगे, जैसे हम 4 यहाँ पर लिए थे 4 यहाँ लिए, सेम टू सेम इस जगह पर सेम नंबर लेंगे। देखो 2 जा 4, तो अगर 82 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 82 को 2 यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 2 है तो 82 × 2 = 4 16 164 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो यूनिट प्लेस पे आपका 4 आ रहा है, चेक करेंगे 86 को करेंगे, नहीं 86 का ये 6 आ रहा है यूनिट प्लेस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 87 कर रहेंगे, 77 जा 9 आ रहा है, नहीं होगा। आपको ये नंबर पहले आप अगर चेक कर लोगे ना, आपको ये मतलब डायरेक्टली आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर लेना है। मैं आपको समझाने के लिए 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ले रही हूँ, पर आपको जाना कैसे है वो आपको समझा रही हूँ कि आप यूनिट प्लेस पे जाना, क्यों डायरेक्टली 8 जा, मतलब यही जो जगह पर हमको 8 लिखना है,
इस जगह पर हमको एट लिखना है, एट यहाँ पर लिखा, एट यहाँ पर लिखा, सेम टू सेम 88 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 88 जा 64, 6, 88 जा 64 प्लस 6 कितना होगा 70 आ गया 704 फाइनल। यहां तक हमको जीरो चाहिए, ओके। अगर जीरो नहीं आएगा वो बाद में हम उसी टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कभी कभी जीरो भी नहीं आएगा मतलब रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे बाद में उसको करेंगे। फाइनल हम अभी तो हमारा जीरो आ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे 2304 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 48, ये जगह पर जो नंबर आएगा ना वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आंसर। और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखो 4489 उसको 4 डिजिट नंबर है तो राइट साइड के 2 2 करके डिवाइड कर लेंगे, तो कौन सा एक नंबर लेंगे जो इसको सेम नंबर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 44 आएगा, अदरवाइज उससे कम आएगा, ठीक है। 77 जा 49 हो रहा है तो 77 जा नहीं जाएगा, 66 जाएगा, 66 जा 36 तो माइनस करेंगे कितना 8, तो ये जो 89 वो नीचे आ जाएगा, और ये जो 6 इसको हम मल्टीप्लाई किए 36 यहाँ लिखे प्लस 6 यहाँ पर लिखेंगे जो कि 12 आ गया, 2 डिजिट नंबर आ गया, तो ये प्लेस तो खाली है वो जगह भी फिल करना होगा ना, तो क्या करेंगे तो राइट को हमको चेक करना है। मैं हमको क्या बोली थी, राइट को चेक करना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो कि 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, सेम टू सेम यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो कि यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3 लेते हैं, 1 2 3 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 369 आ गया, वो तो नहीं होगा। उसके बाद कौन सा नंबर को हम लेंगे को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आएगा, 7 लेंगे, 1 2 7 क्योंकि 7 7 जा 49, 9 आ गया, ये प्लेस को फर्स्ट चेक करना, ठीक है। 9 तो 4 बच गया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 8 1 7 1 जा 7 प्लस 1 8 करेक्ट हो गया 889, तो ये प्लेस हमारा फिल हो गया 7 के साथ, तो ये जगह भी 7 के साथ हो जाएगा जो कि 127 इंटू 7 इज इक्वल टू 889, माइनस करेंगे जो फाइनल आंसर हमारा जीरो आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67 हमारा आंसर, ओके लिख देंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।